छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं में तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण वाला जो अपना पाठ चल रहा था उसका भाग 3 उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें किस प्रकार तत्वों के गुणों में किस प्रकार क्रमिक परिवर्तन होता है। जो ये सारणी थी प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। आपको मालूम है कि आधुनिक आवर्त जो नियम है वो मोस्ले नामक वैज्ञानिक ने दिया था और उसने परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को क्या किया था, व्यवस्थित किया था। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार आवर्त सारणी में संयोजकता कहाँ बढ़ती है, कहाँ पर समान रहती है। तो संयोजकता है, पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी परमाणु का जो बाहरी कक्ष होता है, मान लो ये दो कक्ष हैं, ये तो है नाभिक, ये क्या है नाभिक, ये के कक्ष है और ये एल। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो संख्या उसके सबसे बाहरी को उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यही इनकी क्या कहलाती है, संयोजकता। जैसे आपने देखा कि हाइड्रोजन में एक ही कक्ष है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, एक। मतलब इसके सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित संयोजकता कितनी हुई, एक। मैग्नीशियम की संयोजकता दो होती है क्योंकि उसके बाहरी कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और यही इनकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। अभी हम आपको आवर्त सारणी में दिखाएंगे कि किस प्रकार इनकी संयोजकता, जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं जाने का, तो चार तक संयोजकता पड़ती है, एक से लेकर बाद क्रमशः कम होने लगती है, 4, 3, 2, 1 और 0। इस प्रकार ये संयोजकता बढ़ती जाती है। और आवर्त सारणी में हम ऊपर से कहां जाएं, नीचे की ओर जाएं, समान होती है क्योंकि एक ही समूह में संयोजकता है, तो उनके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहती है, समान। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि आवर्त जो सारणी है, ये देखिए आवर्त सारणी पूर्व में भी दिखाया, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। ये देखेंगे आप हम बाएं से कहां जा रहे हैं, बायां और दायां, हम बाएं से दाएं जाते हैं। तो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है और जो यहाँ नंबर लिखे हुए हैं, ये ए और ये इस प्रकार, ये इनकी क्या है, परमाणु संख्या है। आप बाएं से दाएं जाएंगे तो आप देखते हैं कि ये संयोजकता एक और ये दो, इसके बाद ये तीन, के बाद ये देख रहे हैं क्रमशः क्या हो रही है, बढ़ रही है। और यदि हम समूह में ऊपर से कहाँ जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो उनकी संयोजकता समान रहती है। जैसे एक समूह क्रमांक एक है, तो आप देखेंगे कि इसके भी बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन,
इसके भी बाहरी भले कक्षों की संख्या इसमें ज्यादा हो गई है लेकिन बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन, तो इन सब की संयोजनता क्या रहेगी? एक आप देखेंगे पहले समूह में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये जो सारे जो तत्व हैं इन सब की संयोजकता कितनी रहेगी? एक रहेगी। तो इस प्रकार से बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा है वह है, अब हम पढ़ते हैं परमाणु साइज। परमाणु साइज क्या है? किसी भी परमाणु का जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक है, तो इसके मान लो जितने भी कोश हैं, एक कोश है मान लो इसमें दो कोश हैं, तो इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी आप कहीं तक कहीं भी ले सकते हो, ये कहलाता है परमाणु, उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो एक परमाणु स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से केंद्र है और उसका बाहरी कोश, तो उसकी दूरी परमाणु त्रिज्या होगी। परमाणु त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी उसका साइज उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो हम देखते हैं आवर्त सारणी में, बाएं से हम जब दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है? घट जाती है। आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? इसलिए घटती है कि कक्ष तो उतने ही रहते हैं लेकिन बाएं से दाएं जाने पर उनका जो धन आवेश होता है प्रोटॉन वो बढ़ जाता है और ये धन आवेश जो नाभिक में है वो क्या करता है? कोश को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, जिससे उसका आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है क्योंकि उसमें परमाणु संख्या बढ़ रही है। और इस प्रकार यदि हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर उसका साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाती है। प्रकार हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में हम ये देखते हैं कि ये परमाणु त्रिज्या यहाँ से ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो रही है 55 87, ये तो इस प्रकार आकार बढ़ जाएगा। और बाएं से दाएं जाएंगे यहाँ पर एक 18, तो इस प्रकार इनमें परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि धन आवेश की संख्या ज्यादा होने से वो इलेक्ट्रॉन वाले कक्ष को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। अब हम ये आवर्त सारणी का तीसरा गुण पढ़ेंगे, धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। इसको भी हम इस आवर्त सारणी में समझा रहे हैं। धात्विक मतलब इसमें धातु के गुण होते हैं, आधात्विक मतलब आधातु के गुण, और एक तीसरा होता है उपधातु।
अधिक होता है उप धातु। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये हल्का सा ये ग्रीन कलर है, ये अधातु है, और ये जो हल्का सा गुलाबी पन है आप ऐसा एक तिरछी लाइन देख रहे हैं, ये बोरान सिलिकॉन आर्सेनिक है एंटीमनी, ये सारे सारे क्या है कि उप धातु है। तो आवासारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुणों में कमी आती है। शुरू में देखिए धातु हैं, ये लिथियम बेरिलियम सोडियम ये सब क्या है धातु हैं, और जैसे ही दाएं ओर बढ़ते हैं बोरान उप धातु, ये कलर देखिए कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सारे के सारे क्या है कि अधातु है। मतलब यहाँ पर धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, तो ये धनायन बनाते हैं, और जो अधातु है ये इलेक्ट्रॉन लेने की इसमें क्षमता होती है तो ये अधातु बनाते हैं। तो धातु धनायन बनाएंगे, धातुओं में क्या होंगे धनायन होंगे, और अधातुओं में क्या होंगे ऋण आयन होंगे। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। जो अधातु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है, तो ये अधिकतर कैसे बनाते हैं धनायन। ये धनायन है, और जो अधातु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्या होती है क्षमता होती है। तो इस और जो उपधातु है उसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जब आप जाते हो तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन लेने की इसमें क्षमता होती है। तो अब हम एक प्रश्न इसमें से आवर्त सारणी के बारे में आपने पढ़ा मेंडलीव की आवर्त सारणियां और आधुनिक आवर्त सारणियां, तो जो आधुनिक आवर्त सारणियां थी उसमें मेंडलीव की जो कमियां थी विसंगतियां थी आलोचना थी उसको किस प्रकार दूर किया गया। तो हम देखेंगे कि आपको ढूंढना है फिर भी हम आंसर आपको बताते हैं कि किस प्रकार शॉर्ट में। तो आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले जो क्रम बताया वो उसने परमाणु भार की जगह किसको प्राथमिकता दी परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या को आधार माना और मेंडलीव में परमाणु द्रव्यमान संख्या को माना था। तो आधुनिक परेशानियां तो इस संख्या के कारण क्या हो गई हल हो गई।
दूसरा कारण था कि इसमें हाइड्रोजन का स्थान पहले समूह में निश्चित किया गया। और जो हाइड्रोजन को पहले समूह में रखा और इसके गुण क्षार धातुओं से मिलते थे। हाइड्रोजन एक विद्युत धनात्मक तत्व है और इसके गुण चार था। मेंडलीव के आवास सारणी में परमाणु भार का क्रम थोड़ा गलत था, तो वो क्या हो गया, इसमें सही हो गया। और जो अक्रिय गैसें थी उनको भी एक उचित स्थान समूह, उसको भी अंतिम वाले समूह में इसको रखा गया। गैसों का उस समय मेंडलीव के समय खोज नहीं हुई थी, तो उनको एक उचित स्थान 18वें समूह में मिल गया। इसके बाद इस लेसन के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस बात में और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पूर्व में इस लेसन से कम नंबर का आता था, अभी वर्तमान में जो संशोधन हुआ है इसमें 6 नंबर का आएगा, इसलिए इस वाले लेसन को अच्छे से तैयार करना है। आवास सारणी में आने वाले प्रथम 10 तत्वों के आपको क्या लिखना है, नाम। आवास सारणी में आने वाले प्रथम 2 धातुओं के नाम आपको ढूंढ के बताना है। आपकी आवास सारणी बुक में बनी हुई है, आप देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी 2 धातुएं हैं उनके नाम ढूंढना है, और आवास सारणी को आपको पढ़ते रहना है, तब ये पाठ आपको आसान लगेगा। धन्यवाद।